तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। हेलो आप सबको, मैं हूं आपका टीचर अरिंदम सर और आप देख रहे हैं रिविजन लर्निंग। तो दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर है क्लास 7 इंग्लिश 1 से पहला चैप्टर। चैप्टर का नाम 3 questions मतलब 3 प्रश्न। ये स्टोरी एक राजा के ऊपर है जो 3 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहे थे। तो वो प्रश्न कौन से थे, उनके उत्तर उनको कहां से मिले और कैसे मिले, ये सब हम इस चैप्टर से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर 3 प्रश्न 3 questions। किसी एक समय एक राजा के मन में एक विचार आया कि यदि उसे 3 प्रश्नों के उत्तर मिल जाए तो वो कभी भी असफल नहीं होगा। उसके प्रश्न कुछ इस प्रकार के थे। पहला प्रश्न, किसी काम को करने का सही समय कौन सा है। दूसरा प्रश्न, किन लोगों की सलाह उसे लेनी चाहिए। तीसरा प्रश्न, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है और इसका निर्णय किस प्रकार से किया जाए। उसने पूरे राज्य में अपने दूत भेजे। उसने 3 प्रश्नों का सही उत्तर देने वाले को बड़ा इनाम देने की भी घोषणा कर दी। अनेक बुद्धिमान व्यक्तियों ने अपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने अनेक उत्तर दिए। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक समय निर्धारित करना चाहिए और उसी वक्त उसी समय में उनको काम करना चाहिए। कुछ बोले कि राजा वही करे जो उसे उस समय आवश्यक दिखे और कुछ लोगों ने तो ये सुझाव दिया कि राजा को चाहिए किसी ज्ञानी अथवा जादूगर की सलाह। दूसरे प्रश्न के उत्तर में उन लोगों ने मंत्रिपरिषद अथवा पुजारियों अथवा डॉक्टर या सैनिकों को प्राथमिकता दी। तीसरे प्रश्न के उत्तर में बुद्धिमान लोगों ने विज्ञान, युद्ध और धार्मिक कार्यों को महत्व दिया। तो राजा इन उत्तरों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ। तो एक दिन राजा ने क्या किया, वो अकेले ही वन में चले गए एक सन्यासी के पास और वो सोच रहे थे कि आखिरकार ये सन्यासी ही उनको उत्तर देंगे। वहां राजा ने वृद्ध और दुर्बल सन्यासी को जमीन खोदते खोदते हुए पाया। तो राजा ने उसके पास अपने प्रश्नों पूछे और उसे कोई उत्तर नहीं मिला। फिर उसने सन्यासी से कुड़ाल ले लिया तथा उसके स्थान पर काम करने लगा। कई घंटे बीत गए, शाम हो गई और इसलिए राजा ने अपना कार्य वहीं पे बंद कर दिया और राजा सन्यासी से विदा लेने ही वाला था। तभी सन्यासी ने कहा कि कोई आदमी भागता हुआ उनके ओर आ रहा है। राजा ने एक दाढ़ी वाले व्यक्ति को अपने ओर भागकर आते हुए देखा। उसने अपना हाथों से पेट को दबा कर रखा था, वहां से खून निकल रहा था और इसीलिए उसने अपने पेट को दबा कर रखा था। जैसे ही वो राजा के निकट पहुंचा वैसे ही वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके पेट में गहरा घाव था और इसीलिए वहां से बहुत खून निकल रहा था। राजा ने उसके घाव को धोया और उसके ऊपर से अपना रुमाल लपेट दिया। खून बहना तब थोड़ा थम गया। व्यक्ति की दशा में सुधार आया और उसने पीने के लिए पानी मांगा। राजा ने उसे ताजा जल लाकर दिया। उस समय तक सूर्य अस्त हो चुका था। राजा तथा सन्यासी उस व्यक्ति को उठाकर झोपड़ी के अंदर ले गए तथा उसे बिस्तर पर लिटा दिया। थके हुए राजा को भी नींद आ गई। जब कुछ देर बाद राजा उठ गए तो उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने उससे क्षमा मांगना चाहा। ये व्यक्ति वास्तव में राजा का शत्रु था। वह राजा से बदला लेने के लिए उसका
पीछा कर रहा था। उसने राजा की हत्या करने की कसम खाई थी, क्योंकि राजा ने कभी उसके भाई को मृत्युदंड दे दिया था। उस व्यक्ति ने जंगल के रास्ते में अपने को एक झाड़ियों के पीछे छुपाकर रखा था। जब राजा को लौटने में विलंब हो रहा था, तो व्यक्ति अपने छिपने के स्थान से बाहर आ गया। तभी राजा के अंगरक्षकों ने उसे घायल कर दिया, और यदि राजा ने उसके घाव को धोकर पट्टी ना बांधी होती तो वह मर गया होता। वो व्यक्ति राजा के प्रति कृतज्ञ हो गया, जिसने उसके प्राण बचाए थे। उसने राजा को कहा कि वो आज से राजा की स्वामी भक्त सेवक हो जाएगा। राजा भी खुश था, क्योंकि राजा ने अपने एक शत्रु को मित्र में परिवर्तित कर दिया। राजा ने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया और उसके सारे संपत्ति भी लौटाने का वचन दे दिया। फिर राजा सन्यासी के पास गया। उसने उससे फिर अपने 3 प्रश्नों के उत्तर मांगे। सन्यासी ने बताया कि मिट्टी खोदकर राजा अपने ऊपर होने वाले हमले से बच गया। इस कारण मिट्टी खोदने का वक्त उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। सन्यासी स्वयं ही उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उसकी सहायता करना ही राजा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था। सन्यासी ने आगे राजा को बताया कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति वो होता है जो उसके पास हो। उसकी मदद करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण काम है, और सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय होता है अभी, यानी वर्तमान क्षण। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस कहानी को अच्छे से समझा और इस कहानी से आपने कुछ सीख लिया। सीख किस प्रकार के हैं? जैसे कि पहला सीख, हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए, किसी से नफरत नहीं करना चाहिए। दूसरा सीख हमको ये मिला कि अभी जो कार्य हम कर रहे हैं उसको ही हम ज्यादा महत्व दे, ना कि हमारी पास्ट या फ्यूचर को सोचे। जो प्रेजेंट में हमारे जो काम, जो वर्तमान काल में जो काम हमारा हो रहा है, हम उसको ही ज्यादा महत्व दें, ना कि भूतकाल या भविष्यकाल को हम सोचे। और जो हमारे पास है, जो व्यक्ति या जो परिवार जो हमारे पास अभी है, वर्तमान में है, वही हमारा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति या सबसे महत्वपूर्ण परिवार होगा। क्योंकि हम अपने फ्यूचर को, हमारे भविष्य को नहीं जानते, हम हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए जो हमारे पास है हमें उसी में ही खुश रहना होगा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने इस कहानी को अच्छे से समझा। अगर आप इस कहानी को और मेरे जो मैंने जो आपको समझाया, अगर वो आपको पसंद आया, तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, अपने दोस्तों को भी दिखाना, और हमारे चैनल रिविजन लर्निंग को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी, एक और नई सीख के साथ। तब तक के लिए शब खैर।